ऐसा स्वर है। आज भी बंधुओं यही भाव है, ठाकुर जी बोलते नहीं है, मनोहार करो, प्रार्थना करो, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे जाए। ठाकुर जी बड़े हो गए, 3 वर्ष के हो गए, अब तो थोड़े थोड़े ठाकुर जी ऊधम मचाने लगे। किस रंग अग्निडम शशि जल द्विज कंटके क्रीड़ा परावत चले स्वसुतौ निषिद्धुम ग्रैयाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकातया पतुरलं मनसोन्वनस्थान। ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान क्या करते हैं, बोले श्रृंगी नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं और नंद बाबा उनसे उत्पन्न होने वाले दूध घी दही का क्या करते हैं, सब में वितरण तो कर ही देते हैं, फिर भी 9 लाख गायों का कितना दूध घी दही होता होगा, तो सब में वितरण करने के बाद भी जो घी बच जाता है नंद बाबा उस घी को गैयाओं के सींगों में और खुरों में उसकी मालिश करवाते हैं। तो महाराज नंद बाबा की गैयाओं के सींग अलग ही चमकते हैं दूर से। ठाकुर जी क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले गौशाला जामे और गौशाला जाते ही ग्वारिया तो पूरी रिपोर्ट लेंगे, आज कौन ने बाल भोग कियो, कौन ने कितनो दूध दियो, 3 वर्ष के ठाकुर जी सब पूछ के आवेंगे, कौन सा बछड़ा ब्यायो, कौन सी नई बछिया ब्याई है, नामकरण ठाकुर जी करेंगे वहां को जाके। ठाकुर जी को नियम है सुबह उठते ही गैयान के पास जामे। एक दिन एक गैया बैठी, ठाकुर जी बोले बड़ी आलसी है गैया, पूरे दिन बैठी रहे, कछु करे धरे नाए। बलराम जी को लेके गए, बोले या को एक सिंह तुम पकड़ो, एक सिंह मैं पकड़ूंगा। बैठी भाई गैया के एक सिंह ठाकुर जी ने, एक सिंह बलराम जी ने, और दोनों पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाने लगे। अब गैया थोड़ी देर तो बेचारी हिलती रही, थोड़ी देर बाद अच्छा जड़ चेतन जीव सबको पता है कि ठाकुर जी हैं, गैयाओं को तो आवाज होता ही है। जैसे ही ठाकुर जी सिंह हिलाने लग जाते हैं तो गैया भी अचक करके तुरंत उठ जाती है और जैसी उठी तो ठाकुर जी के हाथ में सींग और ठाकुर जी लटक गए वहां के ऊपर। अब छोड़ा कैसे, छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो लग जाएगी। दाऊ दादा बचाइयो, बोले मैं कहा बचाऊ, मैं तो लटको भयो। अरे गैया तेरे पाम पूजू, मारियो मत हमको, हम नेक नेक से लाला हैं, हमको मारियो मत। अब गैया थोड़ी माने, गैया बोली मारूंगी नहीं लेकिन ऐसी जगह लेके जाऊंगी, बहुत उधम मचाओ तुम। 9 लाख गैयाओं के गोबरों के पहाड़ थे, गैया वहीं लेके गई ठाकुर जी को सींग पे लटके। ए ग्वारिया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मार रही है हमें। और दूसरे ऊपर से सींगन में लगे घी, सो ठाकुर जी के हाथ और छूट रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटे मारो, इतने में ही गैया गई और जाके गोबर के ढेर में खड़ी है गई, और जैसे ही हाथ छूटो सोई गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। गोबर से स्नान करा दियो ठाकुर जी को, गैया भाज गई मानते। अब यशोदा मैया ढूंढ रही है, लाला कहाँ है, बोले यहाँ हूँ मैया, दबो पड़ूंगा मैं गोबर में। गोबर में बैठे ठाकुर जी 3 बरस के, मैया ने जाके निकाले, बोले लाला कितनो नवाओ धुआओ या गोबर में आके खेले, सूकर है का पूर्व जन्म को। ठाकुर जी बोले हम्बे मैया तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सो, बोले बराह अवतार, बोले हाँ, बोले मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आयो, मैं ही तेरे यहां लाला बन के आ गऊ। मैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते रहे जब देखो, चल स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाए, बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी दमष्टि, फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला और गौशाला में जाके जोर जोर से रोन लगे। यशोदा नंद बाबा दोनों भागे, बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए। ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो,
मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दियो, जन्म लेती सबरे दांत आ गए आके, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से। यशोदा मैया अंक में भर लेती है, लाला से कहे, लाला तू चिंता मत करे, तू 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 ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे या मारे तेरे दांत ना आ रहे न करके, दूध पिए कर। संगी अग्नि जमष्टि जल द्विज, क्या करते हैं गोपाल जी, सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जाते हैं। ज्यादा दूर तक मैया जाने नहीं देती तो वहीं खड़े रहते हैं, और राह चलते हुए कोई संत जा रहे हो, महात्मा जा रहे हो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, वैष्णव जा रहे हो, उनको ऐसे बुलाएंगे जैसे कितने दिनों से जानते हैं। अरे 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 आप यहां घूम रहे हो, सामने वाला आश्चर्य में बोले ये कौन से परिचय मिल गए छोटे से गोपाल जी। अब सब उनके रूप पर मोहित होकर चले जाते पास, बोले अरे गोपाल जी, अरे नेक से लाला इतने प्यारे से, तुम्हारी मैया कहाँ है। बोले मैया ने मुकु भेजो है। बोले काय को भेजो, बोले तुमको ढूंढवे के काजे। मैया सुबेरे से प्रतीक्षा कर रही है, उनको पता चली कि आप गोकुल आए हो, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, मेरे तो सुबेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन मैया बोली जब वो बाबा पालेंगे तब तो को पवाऊंगी, चलो ना आप घर चल के प्रसाद पाओ और प्रभा के बाद मुकु भी मिलेगा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ बना नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर जी संग में 5-10 संतों की टोली लेकर के आमे और नंद भवन के द्वार पर छोड़ के चौकड़ी मार के भाग जाएं वहां से। अब संत खड़े हैं कहां जाएं। यशोदा मैया आई, बोली जय हो बाबा, आज इतने सारे संतन को दर्शन। बोले मैया वो छोटो सो लाला आयो, यो कह रो आप हमें ढूंढ रही हो, हमारे कद 56 भोग बनाए, मैया पवाओ बड़े दिनांत भूखे। यशोदा मैया बोली कहां चली जाऊं, पता ना कहां तक उनको बुला लावे, मुंह बता क्यों ना जावे कि मैया ऐसो कछु। ठाकुर जी एक दिन पकड़े मैया ने, अरे लाला ए तू कुछ जानना पहचान सबन को बुला लावे, घर चलो हमारी मैया ने भोजन बनायो। बोले मैया देख नंद बाबा और तूने 80 वर्ष तक इतनो कमायो सब घर में भरो भयो, मैं तो तोते दान पुण्य करवा रहा हूं मैया, तुम यहां को धर के कहां लेके जाओगी सबन को। ये 9 लाख गैयान को इतनो दूध होवे, इतनो घी दही होवे, मुख यूं लगे मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया के खूब पुण्य है जाए, या हमारे मैं तो संतन को खींच खींच के लाऊं कि यहाँ पे आके खूब प्रसाद पाओ। ऐसा उत्तर दें कि यशोदा मैया कुछ कह नहीं सकती। ऐसी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के पांव थोड़े और बाहर निकलने लगे, अभी तक तो एक लिमिट थी उससे आगे नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले अब क्या करें कि भैया सब जगह घूमना शुरू हो, तो धीरे धीरे ठाकुर जी के सखा बने, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये ठाकुर जी के सब सखा हैं। इनके संग ठाकुर जी खेलन लगे। अब तो ठाकुर जी तो इतने फुर्ती वारे हैं कि नेक में कोई पर चढ़ जा, नेक में कोई ये धक्का दे दे, नेक में कोई ये हरा दे। ठाकुर जी के तुम लोगों में फुर्ती क्यों ना है? हैं देखो मैं किसी जोर से भाग जाऊं, चढ़ जाऊं पेड़न पे, कहीं भी कूद जाऊं, और तुम ऐसे लुंज पुंज से ऐसे क्यों। सब ग्वाला बोले लाला तू तो बढ़िया मक्खन खावे, दूध खा दूध पीवे, दही खावे, तो को तो सब खावे पीवे को मिले, हमें ना ही मिले हमारे, हम ऐसे। ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, जो गोकुल है, गोकुल में हर घर में 1000 गैया है, यही मारे या गांव को नाम गोकुल है, हर घर में दूध घी दही की नदी है, क्यों ना खाओ तुम। तब श्री दामा ने बताई, बोले लाला तू को तो कछु पतो ही ना है, तू तो घर से बाहर निकले ही ना है। मथुरा के राजा को नाम है कंस, और वह कंस ने हम भोरे भारे ब्रजवासी के ऊपर एक कर लगा रखो, कर यानी टैक्स, कहा 1000 गैयान से जितनो दूध घी दही होवे सब वाके सैनिक आके नाप के लेके जामे, और वहां में ते हमको 80% दूध घी दही सब मथुरा भेजनो पड़े कर के रूप में, 20% थोड़ा बहुत बचे वहां में मैया भी पावेगी, पिताजी हम भी हमारी बहन भी सब लोग पावे, तो नेक नेक ही बट में आवे। लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे काजे तो कोई कमी है ना है।
ठाकुर जी बोले गैया पालेंगे हम, गैया को ध्यान रखें हम, और दूध घी दही खावे को वो कंस और बाकी मथुरा के लोग। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं बालक हूं, मेरी कोई माने को नहीं, मैं कोई को रोकूंगा तो मेरी कोई सुने को नहीं। वाणी को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ेगा, लोग बालक समझ के पुचकार दे मुकू, कछु और करना पड़ेगा। जब तक ब्रज में है ये कंस के यहां जाने वालों दूध घी दही ये रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, सोचते सोचते बोले अच्छा सुनो, अगर हम चोरी कर लें तो भाई दूध घी दही कर तो तब दियो जाएगा ना जब धन हो, और धन की चोरी है जाए, चोर ले जाए लूट के, फिर कर कैसे दोगे। लाला तेरी बात तो सही है। तो बोले फिर ठीक है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, आज से हमारी संस्था को नाम बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और या को अध्यक्ष में हूं 3.5 वर्षीय नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र 3.5 वर्ष के मधुमंगल श्रीधामा बड़े हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी उंगली पकड़ के नहीं चलते, 3 वर्ष के ठाकुर जी 7 वर्ष के मधुमंगल को उंगली पकड़वा में, बोले ले मेरी उंगली पकड़े तू चल, तुम बुद्धि ना मैं बताऊंगा तो को। ग्वाल बाल बोले लाला देख तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तू चोरी करवे की मत के। ठाकुर जी बोले क्यों, अरे हम कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई के गहने थोड़ी लूट रहे हैं, दूध की दही जो कि हमारो ही है वाकुल लूट रहे हैं, या मैं काबू आई है। ना ना चोरी तो चोरी हो वे लाला, कछु की भी हो, और मेरी मैया तो यूं के चोरी मत करियो लाला, चाहे जो कर लियो, क्यों चोरी करवे तो ब्याना होवे। ठाकुर जी बोलो शरीर बनना रहो तो पे हैं मोह ऐसो हैगो तेरो नेक सोसो, कौन ब्याह करेगा तोते, अरे दूध घी दही खावेगो तब तो ब्याह होएगो। और सुनो अगर तुम्हें चोरी ना करनी तो फिर कल से तुम लोग हमारे संग मत खेलो, क्योंकि हम तो फुर्ती वाले हैं, हम तो जोर जोर से खेलें भैया, अब तुमको लग गई काउदना हाथ पांव टूट गए तो तुम्हारी मैया अलग आवेगी, हमारे संग खेलना हो तो शरीर तो बनाना पड़ेगा, शरीर बनावे के काजे चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल बोले लाला तो से दूर ना रह सके, तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन अब करें कैसे जे तो बता। ठाकुर जी बोले पहले मैं चोरी करके घर में देखूंगो, पहले अपने घर में चोरी करके देखूं फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। और अगले दिन ठाकुर जी अपने ही घर में चोरी करने लगे, चोरी करते भाई यशोदा मैया ने पकड़ लिए, और जैसे ही पकड़े यशोदा मैया ने सौगंध खवाई दी, बोले लाला मोको कभी पतो नहीं चल जाए तेने चोरी करी है। ठाकुर जी आ करके अपने सब मंडल के लोगों से बोले भैया मैया ने घर में तो पकड़ लिए, घर में तो हम है गए फेल, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाई भगवान ने, जल सेना थल सेना वायु सेना, जल थल वायु, बहुत सावधानी से सुनो। जल सेना कौन सी है, बोले कछु ग्वाला हैं, वो कहीं भी चोरी करवे को जब जब कोई घर पक्को है जाए कि या घर में चोरी करनी है तो वा घर पे वे सब ग्वाला यमुना जी में तैरते भय जामे, ये कि जल सेना। थल सेना ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग 3-4 ग्वाला, ये थल सेना है कि ये पैदल चल के जामे। और वायु सेना कौन है, बोले ये बंदरन की है, कूद कूद के जामे एक दूसरे के छतन पे। ऐसी सेना बनाई ठाकुर जी ने, सवेरे उठते ही बंदरन की एक अलग सी ध्वनि निकले, वही से ठाकुर जी जाके जंगला में जाके देखने लगे, कहीं तो कोई बंदर संकेत कर रो कि वाह घर में मक्खन निकलो लाला मां चोरी करेंगे। सोई ठाकुर जी सबन को संकेत पहुंचवा दे, सब लोग तैयार मिलियो वाह घर में चोरी करेंगे। और ऐसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं आज पूरे विश्व के लोग चोर कहते हैं हमारे गोपाल जी को, सो देखे जो चोर जगत में, सूरदास जी का पद है, सब चोर हैं संसार में लेकिन बोलते श्री कृष्ण को चोर हैं, कौन चोरी नहीं कर रहा है, सब चोरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चोरी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है,
भगवान के घर में तो 9 लाख गैया हैं, दूध घी दही सब कुछ है उनके पास। ये चोरी करने के केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो कंस से गौरस की रक्षा, और दूसरा कारण है ये चोरी की लीला के माध्यम से ब्रजवासी ब्रज गोप ग्वाल और ब्रज की नारियों के हृदय में अपना प्रेम और प्रकट करवाना। चोरी करते करते समय है गयो, आज सब गोपियां भगवान की शिकायत लेके पहुंची यशोदा मैया के पास, और सब शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली, कहा कियो मेरे लाला ने? गोपियां कह रही, यो मत कहो कहा कियो, यो कहो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। और अब यहां गोपियां बता रही हैं ठाकुर जी क्या क्या करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्तधिपय कल्पितैस्तेययो गई मरिकान भोक्षण विवचति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात प्रक्रोशतो गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही है, मैया अपने लाला को समझा लो, लेकिन काउदना नहीं, हमारे हाथ पड़ेगा तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, ये गोपियां इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं, ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती है, ऐसी जगह रखती है जहां ठाकुर जी आवे और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है, तो गोपियां मन में सोचने लगी कछु बहुत दिन है गे लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हमें यशोदा मैया से, तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी तो लाला दिख तो जाएगा कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है? क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। तो गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली, मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। बोले का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय हुआ ना हमारो, वहां से पहले जन कहां थे आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया, बोले मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यो लगे ये बछड़ा बछियान को हके हम क्यों पी में, उनको पीनो चाहिए या हमारे खोल के भाग जाए, या हम बुराई का है, और तुम्हारे यहां को दूध यदि बछड़ा बछिया पी जाए मेरे घर से ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा और बड़ी शिकायत करो। दूसरी गोपी बोली, स्तेयम स्वादत्तधिपय कल्पितैस्तेयो गई, मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली, है काई की? धन की, मणि की, जेवरन की? बोले ना है, दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी, हंसते हंसते बैठ गई। बोले सुन, पीछे जाके देख 9 लाख गैया हैं, दूध के घी के मक्खन के कुआं हैं नंद भवन में, मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे, तुम्हारे यहां को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी करके इल्जाम लगावे आई हो। मैया देखो तुम तो बुरो मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो, अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा स्वयं पावे, ग्वाल बालन को पवा दे, ये भी बात ठीक है, बंदरन को मरकान भोक्षण विवजति सचिन बंदरन को खवावे, और
स्वयं पाले ग्वालन को पवा दे बंदरन को खवा दे वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घरवारे खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। नात्रि भांडम भिनत्ती एक बांस संग लेके चले बाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे? बोले जितनो मक्खन रह जाए बाको लेप लगा दे पूरे घर में सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे वा कमरा में जामे सोई रिपट जाए सिर फूट जाए कमर टूट जाए हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम एक तो मक्खन भी चोरी करेगो ग्वाल बालन को भी खवावेगो बंदरन को भी खराब और फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे जाके यहाँ को चुराया बाकू प्रसाद तो देना है तो बाकी हाथ पांव तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात? अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखे करो मक्खन लाला छोटो है पहुंची नहीं पावेगो। बोले मैया तुम्हें पतो ना है ऐसो जोर को नशे नहीं बनावे चार ग्वाला नीचे उनके ऊपर तीन ग्वाला उनपे दो और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया सबसे पहले स्वयं पाले अपनो पेट भर ले फिर नीचे वाले इनको ऊपर ते देतो रे नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे लाला ऊपर ते डालतो रहे सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहां तो अलग ही की हो। बोले कहा? बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े है के धीरे ते मारो से नेक सो सो फूट गयो खड़ा ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही को पी गो। यशोदा मैया बोली अच्छा कौन कौन के यहां ते मक्खन चुरायो? सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो इनके यहां सबके यहां पांच पांच मटकी दस दस मटकी मक्खन भिजवा दो अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोली बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने जे तो भगा रही हैं हमको। एक गोपी ने दूसरी को नोचा बोले तू कुछ कहे कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आवे। तब एक गोपी बोली बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा? आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो अंधेरे में छुपा दो कोई प्रयास करके लाला से बचाओ। अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। मैया बोली मतलब? बोले मान लो लाला ने प्रयास कियो कोई घर में आके चोरी करवे को और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पायो तो वह घर के बाहर कोयला ते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करनो है। बोले फिर का करे? बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकिन ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहां माखन चोरी करवे को प्रयास कियो मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पायो। बोले एक दना मोकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं मैंने कि लाला ऐसे कैसे देख रहा है। बोले कछु ना यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहां। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर कल तेरे भैया को जन्मदिन है सत्यनारायण भगवान की पूजा आ जाइयो घर पे पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो। सुमैया अगले दना सवेरे सवेरे आ गयो बिना नहाए धोए ऐसे बाल वाके बिखर रहे आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही आंखन ने मीड़ तो वह मेरे घर पे आ गयो। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गए हो ना धो के भी ना आयो तो मुते बोलो तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है तो मैंने कि सवेरे ते जाके बैठ जाऊं पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूं सत्यनारायण पता कहां है सिंहासन बैठ जाऊं मैं पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद दे के जाऊंगो। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे ऐसे मार के कह दी लाला मोह धोवे आवे ना है बने सत्यनारायण चल ना दो क्या सत्यनारायण मंदिर में बैठे उनकी पूजा करेंगे फिर। बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को मु तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान कियो तेने तू को भोगनो पड़ेगो। और जन कहां ते कुत्ता के पिल्लान ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गयो और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो चतुर्भुज नारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला और यही बात खत्म नहीं भाई
रात्रि में हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सबने पाए, सब चले गए, तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चरे कन्हैया क्यों नहीं आया, तो यो करो वाको अपमान कियो तेने सुबह रे हमारे नारो। मैंने कही कल बात कर लूंगी, रात में पति भी सो गए मैं भी सो गई, तो मैया अर्धरात्रि में आयो और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची मेरी चोटी खींची। मैं कहूँ का कर रहे हो का कर रहे हो, वो के का कर रही हो का कर रही हो, दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली, मेरे पति देव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो, और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो, ये तुम्हारो लाला है मैया यशोद। अच्छा एक और बात, ये जो गोपियां सारे बहाने बना रही है ना, इसमें 20% बातें सही हैं, बाकी तो ये जबरदस्ती बोल रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और लाला आवे। यशोदा मैया को क्रोध आया, कन्हैया को आवाज दी, कहां लाला को सुबह उठाने के लिए मैया जाती है तो पहले पाम दबाती हैं, फिर उसके बाद मोहन जागिए बलि जई है लाला जागिए बलि जई। यशोदा मैया ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को, कैसे उठाती हैं? सुबह सुबह जाएंगी और रजाई में लेटे ठाकुर जी, तो रजाई के भीतर हाथ मैया डाल देगी और डाल के लाला के पहले पाम दबावेगी। ठाकुर जी फिर आवाज निकालेंगे, अरे मैया मुको नींद आ रही है जा सुन दे मुको। तब यशोदा मैया लाला से कहे, लाला देख तेरे काज देख, अधो दो दूध बना के लाई हूं मैं, जल्दी पी ले। सो ठाकुर जी आंख बंद करके उठ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, जल्दी पीवा, और सोते सोते ठाकुर जी दूध पी के फिर सो जाते हैं। फिर यशोदा मैया कहे, लाला ऐसे मत करे, देख तू परेशान मत करे मुको, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी के मुंह को कहा देगी तू, मतलब या में भी शर्त है कि कछु दो तो उठूंगा मैं, नहीं तो सोता रहूंगा। तब यशोदा मैया कहे, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजी बंसी लाई हूं मैं। बंसी को नाम सुनते ठाकुर जी उठ गए, कहां है कहां है कहां है। मैया ने पुरानी बंसी दे दी, बोले जे ना चाहिए नई बंसी चाहिए मुको, अब जब तक नई बंसी नहीं आएगी मैं सोऊंगो। सो गए। अब तो मैया बोली, लाला कैसे उठाऊं लाला को, तो लोभ देती है दुनिया भर के। तब सबसे बड़ा लोभ मैया देती, अच्छा ठीक है तू सो तो रे, तेरी गैयान को लेके देख बलराम जा रहो वन में, और यूं कह रहो आज कन्हैया की गैयान को सूखी घास खवा के आऊंगा, सोई पत्री है जाएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, मेरी गैयान को सूखी घास खवावेगो? सोई उठ के ठाकुर जी दौड़े गौशाला में, गौशाला में जाके देखो तो ना तो बलराम और गैया सब वहीं बंदी हैं। सोई मैया जावे और गीले वस्त्र से ठाकुर जी को मोमो सब पहुंच दे, बोले लाला अब सोई मत, अब तू उठ गयो। ऐसे उठे हैं ठाकुर जी, इतने मनोहार करने पर ठाकुर जी उठते हैं, और आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी घबरा गए, बोले काहे गो आज मैया उठावे ना आई, नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, बोले जल्दी आ नीचे, यदि तू नहीं आया तो फिर देखियो तेरी कहाल दशा करूं मैं। ठाकुर जी डर गए, अपने पल्ला में से उतरे, आंखन को मीड़न लगे, काजल पूरा फैल गो, जगन्नाथ जी भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, घुंघराले केश ठाकुर जी की, बेनी थोड़ी सी टेढ़ी है गई है, हाथ पाम छोटे छोटे चरण है ठाकुर जी के, कोमल से चरण चल करके मैया के पास आए। जैसे इतनी सारी गोपी देखी, मैया के दुपट्टा में जाकर के लाल जी छुप गए। बोले मैया का है गो, तू मुको काय को डांट रही है? बोले अरे लाला ये सब ठाका तेरे बारे में बात बता रही है, मैया ने सब बात कही। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं ऐसा तो कछुनाई सबरी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछुनाई कियो? ठाकुर जी की उस दशा को देख करके सब गोपियां अपने चित्त में बैठा लेती हैं, बलैयां लेने लगती हैं, और यशोदा मैया को रोकती है, नहीं नहीं मैया मैया अब कछु मत कहो, बस
अब लाला आगे से नहीं करेगा, अब बस जाते ज्यादा मत डांटो। यशोदा मैं ये बोली कैसी हो, पहले तो डांट दिलवावे के काजे, बाकी सब शिकायत कर दो, डांटू तो डांटन नहीं दे रही हो। यही तो प्रेम है गोपियों का, देखने आई है ठाकुर जी को, डांट पड़वाना शिकायत करना तो बहाना है। बंधुओं ये सब गोपियां त्रेता युग के दंडकारण वन के संत हैं, एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राम जी दर्शन देने नहीं आए थे। हनुमान जी ने जाकर के आश्वासन दिया था कि द्वापर में आप सब संत ही ब्रज की गोपी बनोगे, और ठाकुर जी यही राम जी कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। इसलिए जब से ठाकुर जी को जन्म भयो है तब से सब गोपियों को ये बात पता है कि ये साक्षात राम जी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसलिए बार बार उनके दर्शन की अभिलाषा रखती है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से प्रेम करने वाली रास बिहार में जाने वाली ये सारी गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, यशोदा मैया की सहेलियां हैं और प्रियतम मानती हैं 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष के कृष्ण को। कैसे? क्योंकि ये जानती हैं कि परब्रह्म है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की बड़ी पुरानी हंडी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। बांध करके मैया बोली, आज ना तुमको रोटी मिलेगी ना तुमको मक्खन मिलो, खड़ो रहे यहीं पर, ऊधम मचावे। ठाकुर जी खड़े हो गए। इतने में ही भगवान खिसक के जाने लगे। दो वृक्ष थे यमलार्जुन के, दोनों का स्पर्श जैसे किया वृक्ष दोनों गिर गए। कुबेर के दो पुत्र वहां प्रकट हुए, नलकूवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनु। बहुत सुंदर बंधुएं, नलकुवर मणिग्रीव जो हैं ये कुबेर के बेटे हैं। इन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। क्यों? एक बार ये दोनों मद्रा पान करके नग्न स्नान कर रहे थे नदी में। नारद जी आए तो नारद जी को देख के इनके बाकी के सखा तो छुप गए, लेकिन ये दोनों फिर भी स्नान करते रहे। एक तो मदिरा का मद चढ़ा था, दूसरे हम कुबेर के पुत्र हैं इसका मद चढ़ा था। नारद जी ने श्राप दे दिया, एक तो नग्न स्नान कर रहे हो नदी में, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, और ऊपर से संत को देख करके लज्जा भूल गए हो, बहुत नग्न रहने का तुमको शौक है, जाओ श्राप देता हूं दोनों वृक्ष बन जाओ। लेकिन परसों में एक बात कह रहा था कथा में, या कल कही थी पता नहीं, कि बड़े लोगों का क्रोध वरदान होता है। वो आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद आपको समझ आएगा कि उस समय जो डांट लगी थी बड़े लोगों की वो आज फल रही है। नारद जी ने ऐसे तो कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, लेकिन इन दोनों का कितना बड़ा सौभाग्य, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे, वो एक बात कहते थे, बोले लाला इन दोनों को नारद जी ने आशीर्वाद दियो कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, तो एक तरफ तो ये कितनी लज्जा की बात कि कुबेर के पुत्र होते हुए भी शापित, लेकिन नारद जी जैसे भगवत भक्त के द्वारा श्राप लगा तो उसका कितना बड़ा फल कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेके गोकुल आए तब सब सोए थे, किसी ने दर्शन नहीं किया, लेकिन गोकुल में उस समय नलकूवर मणिग्रीव ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन किया, दोनों वृक्ष के रूप में थे। दूसरी बात, ये इतने विशाल वृक्ष थे कि ठाकुर जी की पूरी लीला गोकुल की, कब कौन सी गली में ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, नलकूवर मणिग्रीव देखते रहते थे। भगवत